हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ करंट में डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह इस पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज, क्या थॉट्स, क्या इमोशंस रहे आपको लेकर। क्या सुबह सुबह इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं, और किस तरह से और क्या, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको अपने और अपने पार्टनर के नाम से रीडिंग करानी है, यानी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आपको मोबाइल नंबर जो भी है मेरा, वो आपको वीडियो से पहले या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, कॉल अलाउड नहीं है, ना व्हाट्सएप कॉल, ना ही नॉर्मल कॉल। तो अगर आप कॉल करेंगे भी तो कॉल रिसीव नहीं करा जाएगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, चाहे वॉइस मैसेज हो या टेक्स्ट मैसेज हो, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, देर सवेर आपको रिप्लाई मिल सकता है, इसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। पर्सनल रीडिंग जो भी होगी वो पेड होगी, फ्री नहीं होगी। तो अगर आपको पेड रीडिंग लेनी है, अपने पार्टनर और अपने नाम से आपको रीडिंग करवानी है, आप तभी वहां पर रीच आउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही देखते हैं ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, या सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। मेरे व्यूअर्स, के पर्सन सुबह सुबह किस एनर्जी में रहे, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फाइंड बैलेंस, सैक्रल चक्रा, थ्रोट चक्रा, टीच, रिफ्यूजिंग टू सी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। स्पाई ऑन यू, ट्रुथ, नोटिस, मेमोरीज, लव मैसेज। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं राशियों के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करूं, तो मुझे यहाँ पे आपके लिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। उसके अलग मुझे 2 और 5, ये दो नंबर्स, और फरवरी और मई, ये दो मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। चाहे ये किसी भी तरह से हो, आप इसे अपने हिसाब से लेंगे, जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं जुड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन जो जो देखिए मुझे रीडिंग के दौरान दिख रहा है, मेरा आपको कलेक्टिव्स में बताना ज़रूरी बन जाता है। व्यूअर्स, आपके पार्टनर का यहाँ पर मुझे सैक्रल चक्र और थ्रोट चक्र एक्टिवेट होते हुए यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि एक वक्त आपने देखा होगा कि ये इंसान जो भी आपसे बोल रहे हैं वो घटिया ही बोल रहे हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में जो लास्ट कन्वर्सेशन हुआ, जो लास्ट कम्युनिकेशन हुआ, वो बेसिकली इनके थ्रोट चक्र और सैक्रल चक्र के ब्लॉक होने की वजह से इन्होंने बोला। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, इन्होंने बहुत अच्छी बुरी आपको कही, आपके परिवार को, आपके प्रोफेशन को, आपके कैरेक्टर को, तो ऐसा देख पा रही हूँ लास्ट कम्युनिकेशन जो भी आपका इस पर्सन से हुआ है ना, वो खास नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। तो रीज़न था इनका थ्रोट चक्रा, ये कहना कुछ चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर इनके इस चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से कुछ और वो चीज़ें यहाँ पर इनके थ्रू कन्वे हो रही थी। दूसरा, सैक्रल चक्र इंट्यूटिवली तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे,
जो भी सोचा जा रहा था वो दिमाग से सोचा जा रहा था, लोगों की सोच के बेस पर सोचा जा रहा था, समाज की दुनिया के बेस पर सोचा जा रहा था, यानी कि इनकी खुद की एनर्जीज उस वक्त पे बैलेंस्ड हुई भी नहीं थी और ये लगे पड़े थे आपसे अच्छी बुरी कहने के में या इस रिश्ते को अच्छी बुरी कहने में। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि इनमें कि ये दोनों चक्रास एक्टिवेट तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं आपसे ये नहीं कह पाऊंगी कि 100% हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, हो जरूर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स, जितना ज्यादा इस पर्सन के अब ये चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन उस कम्युनिकेशन, उस कन्वर्सेशन को इस पल में नोटिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस सच को जी रहे हैं, उस सच को देख रहे हैं जिसे देखकर देख नहीं पा रहे, उससे अपनी नज़रें जो हैं वो झुका रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन नज़रें इनकी अपने आप झुकती जा रही हैं। इस पल में व्यूअर्स आपके पर्सन ना पास्ट के पलों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को, जिसमें इन्होंने आपको खूब अच्छा बुरा कहा, उसे नोटिस करा जा रहा है, उसे सोचा जा रहा है और आपकी तरफ से उधर जिस तरह से मैसेज भेजे जा रहे थे वो भी यहाँ पे पढ़े जा रहे हैं। उन सभी चीज़ों को देखकर, ध्यान रखकर ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन अपने पैरों से जमीन को खिसकता हुआ फील कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो बैलेंस नहीं है, जो ये बैलेंस चाह रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, वो था ऑलरेडी लाइफ में था लेकिन इन्होंने उसे खो दिया और अब ये उसे कैसे पाएंगे, वो सवाल इस पर्सन के मन में उठ रहा है। इन्हें इस पल में ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भी चीजें हुई बीते दिनों में, इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस दिया, बहुत कुछ सिखाया, वो सच भी दिखाया, वो सच भी कहीं ना कहीं सामने आया इनके, जो अनछुआ था, अनदेखा था, अनकहा था, अनसमझा था, जो भी ये पर्सन आपसे बोल रहे थे डेफिनेटली ये समझ नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे उस पल में क्या बोल रहे हैं आपसे। आप इनसे हो सकता है उस पल में ये भी बोल रहे हो कि यार तुम सोचो समझो तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन ये लगे पड़े थे बोलने में, आपका दिल तोड़ने में। सुबह सुबह कुछ ऐसी एनर्जीज रही जैसे अपनी बातें इनके कानों में जितना ज़्यादा गूंज रही हैं उतना ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर ये कोशिश करी जा रही है ये उसे सुने ना, अपने कानों पर हाथ रख दें, उसे इग्नोर करे। इन्होंने आप पर निगाहें रखने की कोशिश करी, आपको ढूंढने की कोशिश भी करी है, एज एन जब आपके मैसेजेस जो इन्होंने संभाल कर तो रख रखे हैं उन्हें पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको ढूंढना, आपको देखना तो यहाँ पर बनता है। तो इन्होंने सुबह सुबह व्यूअर्स आपको यहाँ पर स्पाई भी करा, सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश भी करी है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। पॉसिबिलिटीज ये दिख रही है जो उस वक्त पे लास्ट कन्वर्सेशन में इस पर्सन ने जो आपसे अच्छी बुरी कही है ना, उसके पीछे की वजह यहाँ पर ट्रेडिशंस, परंपराएं, कास्ट, ये सब हैं, ठीक है। ये मुझे रीजन दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि दुनिया, चार लोग, चार वजह जिन्होंने जैसा सिखाया। चलिए देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन सुबह सुबह व्यूअर्स को स्पाई क्यों कर रहे हैं, इनके स्पाई करने की, ढूंढने की, देखने की पीछे की वजह। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रांग है। सुबह सुबह आपको स्पाई करने के पीछे की वजह यहाँ पर ये है क्योंकि मन शांत नहीं हो पा रहा, मन को सुकून नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा मेंटली लेवल पर एक घुटन फील कर रहे हैं, जैसे कि इनकी बातें इन्हें ही पूरी तरह से यहाँ पर स्टक कर रही हैं,
जितना ज़्यादा अपनी भ्रम की दुनिया से ये पर्सन अपने आप को बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका खुद का कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ हुआ इन्हें फील हो रहा है। खुद अपने आप को स्टक पा रहे हैं, खुद सारी चीज़ों के जिम्मेदार अपने आप को पा रहे हैं। ये रीज़न कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको ढूंढने के लिए, आपको स्पाई करने के लिए, मन का सुकून पाने के लिए, जैसे इन्हें आपको ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा हो। एज एन एक गिल्ट जैसे इस तरह से इन्हें यहाँ पे बोल रहा हो कि अगर उसकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये इस गिल्ट से, इस बोझ से बाहर निकल जाएंगे। तो उस थॉट की वजह से, उस स्टकनेस की वजह से, उस डर की वजह से ये पर्सन आपको सुबह सुबह लगे पड़े थे स्पाई करने में, ठीक है। एज एन की जैसे आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उन सबके जिम्मेदार तो यही है ना, अपने कंफ्यूजन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, अपने मन को बैलेंस करने के लिए जो ये ढूंढ रहे हैं ना, इस रीजन की वजह से ये पर्सन आपको सुबह सुबह स्पाई कर रहे हैं। ट्रुथ को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन आखिर किस तरह के सच के बारे में व्यूअर्स के पर्सन सुबह सुबह काफी ज्यादा सोच रहे हैं। आखिर किस तरह का सच है जो व्यूअर्स के पर्सन को बेचैन कर रहा है सुबह सुबह, इन्हें रेस्टलेस कर रहा है, इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, आखिर किस तरह का सच है। फाइव ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ सोर्स, फाइव नंबर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मई मंथ। टू नंबर तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। देखो मैंने आपसे यही चीज़ें बोली, चार लोग नहीं पांच लोग, आप ये समझ लो, मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इस पर्सन ने बहुत अच्छी बुरी कड़वे वर्ड्स आपको बोले हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस पर्सन के सामने अपने कहे हुए शब्द ही जैसे आए हों, और इन्होंने कहे क्यों वो शब्द, चार लोगों की वजह से, दुनिया की वजह से, परिवार की वजह से, उनके लिए स्टैंड लेने की वजह से, आपके खिलाफ गए इसीलिए बोले, आपके खिलाफ जाना था, आपसे दूर जाना था, वॉक अवे करना था, स्टैंड तो लेना था लेकिन आपके लिए या इस रिश्ते के लिए नहीं। हर जगह जैसे हर एक आईने में इस पर्सन को ये सच दिख रहा है कि भाई चलो चार लोगों ने इनके कान भरे लेकिन करने वाले तो ये थे, करा तो इन्होंने, उनकी खुशियों के लिए, उनकी खुशी में शामिल होने के लिए इन्होंने किस तरह से आपकी खुशियां आपसे छीन ली, किस तरह से इन्होंने अपनी भी खुशियां अपने आप से छीन ली, वो सच इस पर्सन के सामने हर एक आईना जैसे ने दिखा रहा हो। और अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये उस जगह को, सिचुएशन को छोड़कर बाहर निकले, बिना किसी को ये एहसास दिलाए कि इन्हें एहसास हो गया है, इन्होंने वो कड़वा सच देख लिया है जिसे आपने जिया। देखो अब आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है ना व्यूअर्स, गलती तो इन्होंने करी है, आप ये चीजें मानते हो, आपको पता है, लेकिन आपके पर्सन ना गलती करने के बाद उसे सुधारने की स्ट्रेंथ नहीं रख पा रहे। इन्हें रियलाइजेशन है, इन्हें इस चीज का एहसास है कि मुझसे गलती हुई, लेकिन बजाय उस रियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट कदम उठाने के ये बस वहीं पर थमे हुए ज्यादा हैं। जैसे इतना वक्त तो इस इंसान ने रियलाइज करने में लगा दिया, इतना वक्त तो इस पर्सन ने सच को स्वीकार करने में लगा दिया, सुबह सुबह भी सच को स्वीकार कर रहे हैं, और कुछ तो रीजन यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग का है और कुछ रीजन इनके ये चक्रास के एक्टिवेट होने का है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी लोग हैं इन्वॉल्व, काफी वजह हैं, यहाँ पे दुनियादारी की चिंता ज्यादा है, वो सच इनके सामने आया कि दुनियादारी की चिंता करने के चलते इन्होंने आपको क्या अच्छी और बुरी सुनाई। नोटिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स बताइए, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में सुबह सुबह चला, किस चीज को अब व्यूअर्स के पर्सन सुबह सुबह बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए क्या नोटिस करा इन्होंने सुबह सुबह, गाइड कीजिए।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स. यू आर चेंज्ड, आप चेंज हो चुके हो, ये नोटिस करा स्पाई करके इन्होंने. आप यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो. बिना जज करने वाला इंसान आज जजमेंट करना चाहता है. इस डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरने के बाद इस डिफिकल्ट सिचुएशन ने आपको यहाँ पर डिफिकल्ट बना दिया. एज एन आपको समझना इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है. इन्होंने ये नोटिस करा कि आप यहाँ पर डेफिनेटली अपनी जिंदगी में कोई तो वर्क कर रहे हो. अपनी लाइफ में आप बिजी हो चुके हो. आपकी रेपुटेशन जो एक वक्त पे इस इंसान ने गिरा दी थी, चूर चूर कर दी थी, आपने अपनी रेपुटेशन पर इतने वक्त पे बहुत काम करा और इस लेवल तक काम करा कि लोग आपके सामने कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते हैं, खड़ा नहीं कर पाते हैं. हो सकता है आपने अपने कैरियर में कोई ग्रोथ करी हो, फोकस अपने कैरियर पे लगाया हो, अपनी स्टडी पे लगाया हो, सेल्फ लव पे लगाया हो, या आपने बजाय रोने धोने, कमज़ोर बनने के, अबला बनने के, आपने अपनी क्वालिटीज़ को यहाँ पे बटोरा, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे आपने डेवलप करा और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपने यहाँ पे सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला. मतलब आप रुके नहीं, आप वो कछुए बने जिसने रुकना सही नहीं समझा, जिसने मेहनत करना और चलते रहना उचित समझा. तो इन्होंने सुबह सुबह ये चीजें नोटिस करी व्यूअर्स कि आप इतने वक्त ना रुके नहीं, आप इतने वक्त धीरे धीरे भले लेकिन आप चलते रहे. और इसी चीज ने आपको यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया भी और बहुत कुछ बदल भी दिया. किस तरह की मेमोरीज आज सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आई हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए. आखिर किस तरह की मेमोरीज को व्यूअर्स के पर्सन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन. कार्ड्स ना उसी तरह से आने लगते हैं जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें होती हैं. देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे राशियाँ सभी हैं क्योंकि इतने कार्ड्स निकालने के बाद इम्पॉसिबल चीज़ है कि राशियाँ सभी ना आई हों. इंट्यूशंस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हो चुकी है. देखिए ये सिक्स ऑफ कप्स पास्ट की मेमोरीज को ही डिनोट करता है, यानी कि पास्ट में कैसे आप दोनों ने इस रिश्ते की शुरुआत करी, कैसे ये रिश्ते को ब्लेसिंग्स मिली, कैसे इस रिश्ते में एक दूसरे को प्यार दिया गया, रोमांटिकली आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, क्लोज आए, आप दोनों का एक क्वालिटी टाइम यहाँ पे था, आप दोनों एक दूसरे को लेकर किस तरह से अपनी अपनी तरफ से ईमानदारी दे रहे थे, स्पेशली आप किस तरह से इस रिश्ते में अपनी तरफ से फीलिंग्स दे रहे थे. तो वो सभी चीज़ें इस पर्सन को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा याद आई हैं. जितना ज़्यादा आपने अब अपनी फीलिंग्स को इस इंसान को दिया, उतना ज़्यादा आपने अपने आप को यहाँ बंद कर लिया. तो ऐसा इस पर्सन को पास्ट की मेमोरीज याद आ रही थी, यानी कि कंपैरिजन यहाँ पर डेफिनेटली हो रहा था. आपने अब इस इंसान के ऊपर भरोसा करने की बजाय अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया. अपने उद्देश्यों के ऊपर भरोसा करना आपने कैसे शुरू करा, यानी कि कैसे कैसे करके आपने एक एक चीज़ें यहाँ पर इस इंसान से हटाकर अपने ऊपर लगानी शुरू करी, उन सभी चीज़ों को इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर कंपेयर करा जा रहा है. यानी कि कैसे आपने अपने बुरे वक्त से सीखा और अपने आप पर वर्क करके यहाँ पे आपने अपने आप को इस स्टेज पर खड़ा करा. तो ये चीज़ें इस पर्सन को सुबह सुबह बहुत याद आ रही थी, यानी कि कंपैरिजन के मोड पर ये पर्सन है. लव मैसेजेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए. अब व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स इस चीज़ को लेकर क्या हैं, गाइड कीजिए. टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ना आपने इस पर्सन को मैसेज करके बहुत बार ये चीज़ें ट्राई करी हैं कि
आप इनके लिए अभी भी अवेलेबल हो, आप इनका वेट करने के लिए तैयार हो, आप इनका वेट कर रहे हो, आप इस रिश्ते में अपनी तरफ से वो देने के लिए तैयार हो जो ये चाहते हैं, जिस भी तरह से इस रिश्ते को चाहते हैं आप वो करने के लिए तैयार हो। यानी कि आपने अपनी साइड से इस पर्सन को हर वो ऑफर दिए, हर वो सॉल्यूशंस दिए जो आप दे सकते थे। आपने यहाँ पर इस पर्सन के लिए ये भी कहीं ना कहीं मैसेज जैसे भेजे हो कि आप जब तक चाहते हो आप इनका वेट करोगे, वेट कर रहे हो आप इनका, आप इनसे प्यार करते हो, इमोशंस हैं आपके दिल में इनके लिए और आप उन्हें बरकरार रखोगे, वो किसी को आप नहीं दोगे या वो किसी के हो नहीं सकते। आपने हो सकता है इन्हें ये तक मैसेज दिया हो, ये तक मैसेज भेजा हो कि भाई ये जो भी रिश्ता है ये ऐसा वाला रिश्ता नहीं है, एक सोल कनेक्शन का रिश्ता है। मतलब आप इस रिश्ते को पहचान रहे हो, समझ रहे हो और आप समझाना चाह रहे थे इस इंसान को कि इस रिश्ते से गिव अप मत करो, ये रिश्ता ऐसा ही वाला नहीं है, ये बहुत प्योर एकदम ट्रू कनेक्शन है। आप इन्हें समझाना चाह रहे थे, बता रहे थे मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू कि देखो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, तुम्हारे प्यार में मेरा प्यार, तुम बस इसे रिफ्यूज मत करो, तुम इसे देखने से मना मत करो या उसे पढ़ो, एक बार बात कर लो। और इन्होंने उन मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, उन्हें पढ़ा नहीं, उन्हें अनदेखा करा, उन्हें ये पढ़ रहे हैं सुबह सुबह क्या कह रहे थे आप उस वक्त पे, रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर, दर्द में, तकलीफ में, जबकि वो सब दिया इन्होंने था आपको। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन के थ्रू आपके पढ़े हुए, दिए हुए जो भी मैसेजेस जो एक वक्त पे इग्नोर करे गए थे, पढ़े नहीं गए थे, उन्हें पढ़ा जा रहा है, ये तो यहाँ पे है। देखते हैं अब इन सभी चीज़ों को लेकर, इन सभी एहसास को लेकर आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के अब मैसेजेस दीजिए, अब कहना क्या चाह रहे हैं इस फीलिंग्स के साथ व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहना चाह रहे हैं आई नेवर चीटेड। चीट करने के बाद आपसे कह रहे हैं इन्होंने कभी आपको चीट नहीं करा। डू यू हैव समवन एल्स, क्या अब आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अब आपके साथ रिकंसाइल होना चाहते हैं, रिकंसलेशन चाहते हैं। अगर आप किसी और के साथ हैं तो ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, यानी कि अपना एक और ऑप्शन लेकर ये पर्सन चलना चाह रहे हैं और साथ में कहना चाह रहे हैं कि उस पल में ये आपसे मूव ऑन कर गए थे या मूव ऑन करना चाह रहे थे इसीलिए इन्होंने ऐसा करा। यस आई हैव ईगो बट आई अनब्लॉक यू, यस उस वक्त पे इन्होंने अपने ईगो के चलते आपको ब्लॉक कर दिया, आपके मैसेज को इग्नोर करा, आपके मैसेज को पढ़कर उनका रिप्लाई नहीं करा, लेकिन अब उन सभी चीज़ों को जैसे ये अनब्लॉक करना चाहते हैं। यू डिज़र्व बेटर, एक तरफ आपसे ये भी कहने की चाह है शायद तुम मुझ जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो, मुझसे कहीं बेहतर इंसान को डिज़र्व करते हो। आई जस्ट एक्ट लाइक आई डोंट केयर, अब ये बस एक एक्ट करके दिखा रहे हैं, नाटक करके दिखा रहे हैं कि इन्हें आपकी परवाह नहीं है। जस्ट गिव मी अनदर चांस, अगर हो सके तो मुझे दूसरा मौका ज़रूर से देना। आई लव यू वैन यू स्माइल, इन्हें प्यार हो जाता है आपसे जब आप मुस्कुराते हो। यू आर माई एवरी थिंग, माई वर्ल्ड, माई जान, ये जान रहे हैं, जान पा रहे हैं कि आप इनके लिए सब कुछ बन गए थे, आप इनके सब कुछ थे, इनकी दुनिया थे, इनकी जान थे। तो आपसे ये पर्सन अब ये भी कहने की चाह रख रहे हैं। चलिए आपके लिए कार्ड ऑफ द डे देखकर मैं इस रीडिंग का एंड करूंगी व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए और बताइए, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। सरेंडर,
देखिए, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि आपको ना अब अपने आप को, अपनी पास्ट की मेमोरीज को, पास्ट की टॉक्सिसिटी को लेट गो करना होगा, और उसके लिए यहाँ पे आपको ना उन सभी चीज़ों को सरेंडर करना होगा अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन के पास। अगर आप इन चीज़ों को अपने पास रखोगे ना, तो आप बेसिकली अपने आप को दर्द देते रहोगे, चोट पहुंचाते रहोगे। तो यहाँ पर आपसे यूनिवर्स ये बोलना चाह रही है, टाइम आ गया है, समय आ गया है अपने पास्ट के दर्द को, तकलीफ़ों को सरेंडर करने का। जैसे ही आप उन्हें सरेंडर कर देते हो, वैसे ही आप हील होना शुरू हो जाओगे, और वैसे ही आपके लिए यूनिवर्स को, डिवाइन को काम करने में आसानी होगी। यानी कि अगर आप पास्ट में स्टक रहोगे, तो यूनिवर्स आपको आपके बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाने में डिफ़िकल्टीज ही पाएगी। तो वो वक्त आ गया है, अब आपको अपने दर्द को, तकलीफ़ को, सबको सरेंडर करना है, ऐसा यूनिवर्स बोल रही है। किसी को भी, चाहे अपने भगवान, जिस पर भी आपको भरोसा है, जिस पर भी आप भरोसा करना चाहते हैं उन्हें। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।